लंदन में इमरान खान के जानिसार शयान अली का एक और कारनामा। तारिक फतेह उर्फ तारिक फतूर के जहन्नुम वासिल होने पर हुसैन नवाज पहुंच गया, जिसकी वजह से पीटीआई सपोर्टर शयान अली और हुसैन नवाज आमने सामने आ गए। बड़ी खबर जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हीथरो एयरपोर्ट में नवाज शरीफ को फेयरवेल बोल रही है, इसे वो सीक्रेट मीटिंग सऊदी अरेबिया करने जा रहा है और इंशाल्लाह ताला हम नवाज शरीफ को वार्म वेलकम करेंगे जब वो वापस गीदर लंदन आएगा। एयरपोर्ट में नवाज शरीफ को फेयरवेल बोल रही है, इसे वो सीक्रेट मीटिंग सऊदी अरेबिया करने जा रहा है और इंशाल्लाह ताला हम नवाज शरीफ को वार्म वेलकम करेंगे जब वो वापस गीदर लंदन आएगा। पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान ने ईद की खुशियां मनाई, वहीं पर इस मलून के जहन्नुम वासिल होने की खुशियां इससे भी ज्यादा मनाई, क्योंकि इसने यहूदी और हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन काम किए हैं। मदीने का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो मक्का में एप्लीकेबल नहीं था। किस दुनिया की मस्जिद में कब अजान आई? अरे बिजली इजाद करोगे तो लाउडस्पीकर बनाओगे। रिसेंटली 73 साल की उम्र में ये मालून अपने दर्दनाक अंजाम को पहुंच गया है। जब इसकी कब्र खोदी गई तो हुसैन नवाज के मुताबिक जगह जगह से कीड़े और सांप निकल रहे थे, यहाँ तक के इंडियन मीडिया ने भी इसके जनाजे को कवर नहीं किया। लेकिन चोर नवाज शरीफ का बेटा हुसैन नवाज पहुँच गया, जिसकी वजह से बहादुर शयान अली ने लंदन में शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि इसके बाद तो आपको नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की फैमिली का अंदाजा हो चुका होगा, इनके मरासिम और हमदर्दियां सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनों के साथ हैं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया सार्फीन ने भरपूर तरीके से शयान अली की हमायत की है। दोस्तों, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.